सबसे पहले बड़ी खबर आपको उपचुनाव से जुड़ी देंगे। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में चर्चा हो गई। प्रदेश प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में ये बैठक है। जयपुर पहुंच चुके हैं प्रदेश प्रभारी रंधावा। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। संभावित उम्मीदवारों पर सह प्रभारी देंगे ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस ने अब तक टिकट के दावेदारों का नाम जो है वो फाइनल नहीं किया है और बीजेपी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 को चुनाव है। तो ऐसे में अब नजरें हैं कि आखिर कांग्रेस किन उम्मीदवारों को इन सीटों से उतारती है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं है। अरबाज हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, देखिए 12 बजे मीटिंग बताई गई थी, क्या शुरू हो गई है बैठक? देखिए, नेताओं का यहाँ बैठक में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस तरह से बैठक शुरू होने वाली है, कुछ ही देर में यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचेंगे। हमारे साथ में महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी मौजूद है। सर, बैठक का पूरा आपने पूरा एक्शन बना लिया है, सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके पहुंचे हैं, रंधावा जी भी जयपुर आ चुके हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज आ रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी क्षेत्र से लगातार हमारी मीटिंगें चल रही थी, पहले संगठन को लेकर के, उसके बाद प्रत्याशियों को लेकर के, और वो सारा फीडबैक जो भी वहाँ से क्षेत्रों से मिला है उसको लेकर के आज यहाँ पे आएंगे। हमारे सारे सह प्रभारी जो हैं AICC के वो आ रहे हैं, वो फीडबैक लाएंगे। इसके अलावा जो हमारी सीनियर ऑब्जर्वर्स से वो आएंगे और रंधावा जी वगैरह और जो हमारे सीनियर लीडरशिप है सभी बैठ करके, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, भंवर जितेन जी, सब आज बैठ करके और उस पर एक मंथन करके मोटे तौर पर एक आउटलाइन तैयार कर लेंगे। बुनियादी जो चीज एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो मेन फोकस किया जा रहा है वो इस बात पे किया जा रहा है कि रणनीति क्या रहे, उम्मीदवार कौन हो। जी बिल्कुल, रणनीति जो है चुनाव प्रचार की क्या रहेगी, क्योंकि सब रणनीति उम्मीदवारों के आधार पर होती है। नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर जो है CP जोशी जी पहुंचे हैं और मीटिंग में पहुंच करके बातचीत करेंगे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है, और बाकी जो टीम के लोग हैं वो अंदर आना शुरू हो गए। और जो मेन काम रहेगा वो रणनीति पे फोकस करना रहेगा, किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगी और क्या तैयारियां रहेगी। जैसा कि अभी आपने देखा, कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने हमें बताया कि सभी लोग तैयारियां कर चुके हैं और यहां पर आज बड़ा एक्शन रहने वाला है, क्योंकि पहली जो एक तरह से बाजी है वो भाजपा खेल चुकी है, अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे इलेक्शन में बयानबाजी में जितनी ऑफेंसिव होकर के और एग्रेसिव होकर के खेल रही, क्या इस बार जो अपने उम्मीदवारों को उतारने में डिफेंसिव रहती है या फिर थोड़ा चीजों को देख करके, सोच विचार करके जो है नाम जारी किए जाते हैं? आप देखेंगे अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो यहाँ पर आए हैं, सुखजिंदर रंधावा को अपने साथ में लेकर के आए हैं, उनकी अलग अलग टीम यहाँ पर पहुंच रही है। अशोक गहलोत से हम कोशिश करेंगे कि बातचीत कर सकें, किस तरह से इनका रहता है यहाँ पर मूवमेंट। सर, अहम बैठक है आज, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, मीटिंग अहम ही होती है, अच्छी मीटिंग होगी, सब मिलके चलेंगे और हमारे बाय इलेक्शन में चुनाव जीतेंगे हम। आज नाम फाइनल हो जाएंगे? देखिए, फाइनल तो ना हाईकमांड के हाथ में है, हम अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर PC प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष और इंचार्ज ये बात करेंगे दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठक में अशोक गहलोत हैं, दिग्विजय सिंह साथ में बैठे हुए हैं, MP के नेता हैं। आज एक्सपेक्ट नहीं था कि दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें साथ में लेकर के आए हैं और भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं अन्य इलाकों से, जो कि इस पूरी टीम में साथ रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस में एक तरह का जो मंथन किया जा रहा है, इसमें कई बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ मौजूद है, अशोक गहलोत दिग्विजय सिंह के साथ में यहाँ पहुंचे हैं जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। किस तरह की बातचीत रहती है अभी मंथन को लेकर के, जो एक इशारा दिया उन्होंने वो हमसे बातचीत में, वो स्पष्ट है कि यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा, रिपोर्ट्स देखी जाएंगी
रणनीति को लेकर के विचार किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि अपनी जो सभी सीट हैं पिछली बार की जीती हुई उनको तो बचाए ही, और कुछ अगर नंबर इम्प्रूव कर सकते हो तो वो सलमपुर में ये करने की कोशिश करेंगे, और जो जीती हुई सीट थी उनको बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है ही। ऐसे में गठबंधन को लेकर के भी यहाँ पर जो है बातचीत होगी, और बिल्कुल अरबाज लगभग यहां पर सभी लोग जो है वो पहुंच गए। दिग्गज नेता सिंह रंधावा का ही इंतजार है, उन्हीं के इंतजार के बाद जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल सभी लोग पहुंचने लगे हैं, लेकिन कोई चर्चाएं हैं क्या, वो नाम है जो फाइनल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर देखने और समझने वाली, कि जो फीडबैक मिला है यहाँ पर टीम को और जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके मुताबिक जो चार टिकट हैं वो उन्हीं परिवार में जाने वाले हैं जो कैंडिडेट या तो जीत करके आए जिनको कांग्रेस खो चुकी है। जैसे रामगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर जुबैर खान के परिवार को, उनकी पत्नी को या बेटे को टिकट जा सकता है। झुंझुनू में जो बृजेंद्र ओला है उनके परिवार में उनके बेटे को टिकट जाने की संभावना है। साथ ही साथ दौसा की अगर बात करें तो मुरारीलाल मीणा जो है उनकी बेटी को टिकट जाने की संभावना है। इसी तरीके से अन्य सीटों के ऊपर भी स्थिति यही है। देवली उनियारा के अंदर जो है हरीश मीणा अपने परिवार में टिकट को ले जा सकते हैं, लेकिन कितना जो है इसके ऊपर कांग्रेस के आलाकमान भरोसा करेंगे, क्योंकि आज रिपोर्ट फाइनल होकर के भेज दी जाएगी बाकायदा दिल्ली, और दिल्ली से ये जो लिस्ट है वो 22 की शाम को या 23 की सुबह जो है जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस अभी थोड़ा लिस्ट जारी करने में वक्त लगाएगी। बीजेपी कांग्रेस को इतना मंथन करने में, चिंतन करने में, जैसा फाइनल करने में समय क्यों लग रहा है? देखिए लिस्ट करीब करीब फाइनल है, लेकिन ये एक रणनीति के तहत देरी से जारी की जा रही है, जिसमें रूठों की संख्या ज्यादा ना हो। अगर आप लास्ट में नाम जारी करते हैं बहुत कम वक्त मिलता है, तो बहुत ज्यादा लोगों को वक्त नहीं मिलता कि वो रूठ कर नाराजगी जाहिर कर सके या फिर पार्टी को इंटरनल डैमेज कर सके। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल की एक इनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है जिसके तहत इन्हें देर से जारी करना है। नाम करीब करीब फाइनल है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आज रहेगा गठबंधन की दो सीट जो है, चाहे वो 84 की बात करें चाहे खीवसर की बात करें, उन दोनों सीटों को लेकर के जो बातचीत की जानी है, क्योंकि एक इंटरनल सर्वे कांग्रेस ने करवाया है कि बिना गठबंधन के हमारी स्थिति क्या रहती है और हम किस तरह से इस चीज को लड़ेंगे। लगातार गोविंद सिंह डोटासरा ये कहते रहे हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, सभी टीम लगाई हुई है, काम कर रहे हैं, और हम इस पोजिशन में है कि कभी भी जो आलाकमान की तरफ से इशारा मिलेगा हम चुनाव लड़ लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत से नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, कई और नेता कांग्रेस वॉर रूम का रुख कर रहे हैं जो कि संभावित उम्मीदवार भी हैं, इसमें सह प्रभारी भी हैं। इनसे हम लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनका आज रहता है, बातचीत करते हैं। पार्टी के सामने परिणाम आ गया, खींवसर की जनता ने 2023 में भी खूब कहा था, क्योंकि 2008 में विधानसभा खींवसर का जब गठन हुआ तब से लगाकर आज दिन तक कांग्रेस का ना पंचायत समिति में ना जिला परिषद में ना विधायक और एमपी में कभी खाता नहीं खुला, और वहां की जनता और कुछ चाह रही थी, वहां के अनीति और अहंकार भरे राजनीतिक वातावरण को खत्म करने के लिए जनता हमेशा मेरे साथ रहती। बसपा से दो मेरे चुनाव हनुमान बेनीवाल जी के सामने टक्कर में रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी के वहां जमान जब्त हुई थी 19 के अंदर, माननीय अशोक गहलोत साहब ने हरिंदर जी के प्रत्याशी के रूप में मेरा समझौता हुआ, मुझे आश्वस्त किया, तब से कांग्रेस का झंडा उठा के घूम रहा हूं, जनता को जगा रहा हूं। 23 में हो सकता है नेताओं से कोई गलतफहमी हो गई थी, जमान जब्त हो गई हमारी पार्टी की, और अभी मैंने वरिष्ठ नेताओं को सबको कहा है, वहां की जनता की आवाज मैंने पहुंचाई है, अगर वो क्या फैसला करते हैं वो तो उनके ऊपर है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो आप तैयार हैं पूरी तरह से कांग्रेस अपने दम पर लड़ने के लिए खींवसर में? देखिए जी, ये सर्वे विदित है कि दुरुख सिंह चौहान खींवसर की जनता की एक आवाज है। मेरे को पहचान दी तो खींवसर की जनता ने पहचान दी है। हारना जीतना एक अलग है, हो सकता है मेरा पहले योग नहीं था, अभी भी संघर्ष कर रहा हूं, जनता जो फैसला करेगी दुरुख सिंह उस पे जाएगा। एक इंटरनल सर्वे कराया था कांग्रेस ने सीट पर, उसका क्या आउटकम आ रहा है, आप लड़ेंगे लड़वाएंगे? देखिए ये पार्टी के नेता आज क्या करते हैं, वहां की जनता और हम कांग्रेस को हमने दो बार सहयोग किया है, लास्ट टाइम तक इंतजार करेंगे। आपको बुलाया आज बैठक में अंदर? नहीं साहब, देखो बैठक का नहीं, मैं कोई पदाधिकारी हूं पार्टी का, मैं एक वहां की जनता का पहचान दिया हुआ कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस की विचारधाराओं से जुड़ के काम करने की मेरी बहुत इच्छा, मेरी टीम की इच्छा है, फैसला पार्टी करती है। जिसके हम लास्ट वक्त तक इंतजार करेंगे, वरना
खिमसर की जनता लास्ट पॉइंट तक इंतजार कर रही, क्या होगा? हमेशा खिमसर का फैसला अलग ही आता है, सबको पता है। सिंह जी, आप और हनुमान जी दोनों बीजेपी से भी ताल्लुक रख चुके हैं, कांग्रेस से भी आपका नाता रहा है, कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल अलायंस करके लोकसभा पहुंचे पहले बीजेपी से। देखिए, मैं इस पर शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक बड़े दल का कभी पदाधिकारी नहीं रहा।